इस चर्चा को अब हम लोग हिंदी में जारी रखते हैं। तो कल जो ऑब्जर्वेशन के लिए जिन बिंदुओं पे बात हुई थी उसी चीज को फिर से एक बार दोहराते हुए हम लोग आगे और ध्यान देने का काम करेंगे। तो अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, मैं द्वारा मैं को देखना। उसमें स्टेप वन पे हम अपनी कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और कल्पनाशीलता में भी अपने को ये दिखता है कि मुख्य मुद्दा तो भाव का है, तो अपने भाव को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे हम लोगों ने कल काफी चर्चा भी की थी, और विगत कुछ दिनों से हम लोग स्टेप वन पे ही बात कर रहे हैं। कल असाइनमेंट भी लिया था कि अपने भाव को बारीकी से देखना है। कल के दिन भर के अभ्यास से यदि आपके अंदर कोई प्रश्न बने हो, कोई नया बिंदु ध्यान में आया हो, या कोई सुलझन हो, तो उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। ये भी बात हुई थी स्टेप वन के अभ्यास को करते हुए कि हम सब पे कुछ मेजर कंसर्न्स हो जाए, अगर वो मेजर कंसर्न्स आपने लिख लिए हो तो बहुत अच्छी, जो हमारी कल्पनाशीलता को घेरे रहते हैं। फिर ये भी बात हुई थी कि यदि भाव पे सीधे सीधे ध्यान नहीं जा रहा तो विचारों को देख लें, विचारों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे कैसे जा रहे हैं उसको देख लें, हर विचार के मुद्दे के साथ क्या भाव जुड़ा हुआ है उसको देख लें। और अभ्यास एक में स्टेप वन पे ऑब्जर्व करते हुए कुछ जो सामान्य रूप से कठिनाइयां आती हैं उसकी भी चर्चा हुई थी, जैसे कई बार हम शरीर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, या फोर्सफुली देखने का प्रयास करते हैं, या देखते हुए नींद आती है, या सिर में भारीपन होने लगता है, या लगता है कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा, आदि आदि इस तरह के बहुत सारी कठिनाइयां हमको कई बार दिखाई देती हैं, उस पर भी चर्चा हुई थी। तो ये गृह कार्य हम लोग लिया था कल कि अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, इसको निरंतरता में देखने की कोशिश करना है हर क्षण। आपका ध्यान कितनी देर अपनी कल्पनाशीलता पे बना रहा इसको देखें। आपकी कल्पनाशीलता किसी एक विषय पे ही चलती रही या एक विषय से दूसरे विषय पे शिफ्ट होती रही? यदि आपका ध्यान कहीं और चला गया तो कहाँ गया? आप किन चीजों पर ध्यान दिए? क्या आप अपने ध्यान की वस्तु खुद ही अवेयरनेस से तय कर रहे हैं, या बिना अवेयरनेस के यहाँ से वहां ध्यान भटकता जा रहा है ना, जगह जगह जा रहा है? अपनी कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार आशा को अलग अलग करके देखने का प्रयास करें। ये जो चौथा पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण है कि जब अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं तो बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं। इसमें किसको इच्छा कहें, किसको विचार कहें, किसको आशा कहें, तो जो भाव का पक्ष है वो इच्छा का, इच्छा की क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। जो भाव है हमारा, जो हम अपने कल्पनाशीलता में फैलाते हैं, विश्लेषित करते हैं, बांट बांट के देखते हैं, और विकल्पों में हम तुलना करते हैं, ये ठीक है कि वो ठीक है, ऐसे करना बनता है वैसे करना बनता है, ये सारा विचार का पक्ष है। और उसके साथ हमें कुछ आस्वादन होता है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी आराम का, कभी परेशानी का, और उसके साथ फिर हम चयन भी करते हैं कि अब अगला मुद्दा क्या होगा, विचार का अगला मुद्दा क्या होगा, शरीर के साथ निर्वाह का, ये सारा कुछ आशा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर देख भी सकते हैं कि इच्छा क्या है, विचार क्या है, आशा क्या है। संक्षेप में कहें तो जो कुछ हम होना चाहते हैं एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, अपने व्यवसाय में एक भागीदारी इकाई के रूप में, अपने गली मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में, आदि आदि इस तरह के जो हम चीजों पे चित्रित करते हैं कि जो कुछ हम होना चाहते हैं उसको इच्छा का, ये कैसे पूरा हो उसके लिए जो प्रयास करते हैं स्वयं में उसको विचार का, और क्या हो जाए और क्या ना हो इसके लिए जो हमारे अंदर घटित होता रहता है उसको हमने आशा का। तो इस प्रकार से हम अपनी कल्पनाशीलता को भी क्रम से देख सकते हैं कि इच्छा में क्या है, विचार में क्या है, आशा में क्या है, और इसके आधार पर ही हमारा व्यवहार कार्य तय होता है। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं, कुछ देर ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। जी नमस्ते, सभी नमस्ते। सभी 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 को नमस्ते जी। अभी आपने जो कहा इच्छा विचार आशा, एक बार ऑब्जर्वेशन के बाद दोहरा सकते हैं क्या? आप पहले एक बार ठीक इच्छा है, तो विचार। अभी हम 10 मिनट ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने को, जी उसके बाद फिर इसको रखते हैं। जी जी अपने इच्छा विचार आशा को हम किस प्रकार से देख सकते हैं।
इच्छा का मतलब है हम कुछ होना चाहते हैं, तो जो भाव पक्ष है वो इच्छा क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति के रूप में कुछ होना चाहते हैं, परिवार के सदस्य के रूप में कुछ होना चाहते हैं, समाज की एक इकाई के रूप में कुछ होना चाहते हैं, जहां व्यवसाय करते हैं वहां एक सदस्य के रूप में कुछ होना चाहते हैं। तो ये कुछ होना चाहते हैं इसको इच्छा का, जो होना चाहते हैं वो कैसे पूरा हो इसके लिए हम विचार करते हैं, तो वो विचार है। और क्या हो जाए और क्या ना हो, ठीक है ना, कि इसको आशा कहा, तो वहां पे हम चयन करते हैं, और जो भी चयन करते हैं उसके साथ हमको एक आस्वादन मिलता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक होगा, ऐसा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो कुछ के साथ हमको आस्वादन होता है सुख का, आराम का, कुछ के साथ आस्वादन होता है परेशानी का कि अगर ऐसा हो गया तो परेशानी होगी, ऐसा हो गया तो आराम मिलेगा, ठीक रहेगा। ये जो स्थिति हमारी बनती है इसको इच्छा विचार आशा के रूप में देख सकते हैं। जिन कामों को हम पूरा भी करना चाहते हैं उनको क्यों पूरा करना चाहते हैं, इसको देखें तो भाव का पता लगेगा। जैसे एक भाव तो ये हो सकता है कि अगर इस काम को पूरा नहीं किया तो वो चीज खराब हो जाएगी, दूसरा उस चीज को बेहतर बनाए रखना चाहता हूँ इससे मैं पूरा करना चाहता हूँ काम को। तो एक भाव है जिसमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई भय है या कोई उस तरह के ना फीलिंग है कि कहीं खराब ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। दूसरा मेरे अंदर उसके प्रति पूरकता का भाव है कि इसको बेहतर बनाना है, संरक्षित करना है, इन दोनों में अंतर है। तीसरी बात ये भी सकती है उस काम को पूरा नहीं किया तो फिर अगला व्यक्ति नाराज होगा, परेशान होगा, है ना, फिर उससे संबंध खराब होगा। तो यहाँ पे भी हम देख लें कि दूसरे व्यक्ति ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी में इस कार्य को पूरा करना बनता है, ये संबंध का भाव है। पर यदि नहीं पूरा किया तो दूसरा व्यक्ति हमसे नाराज होगा, संबंध खराब होगा, ये कहीं ना कहीं फिर एक भय जुड़ जाता है। तो अभी हम भैया भय को भी भाव के, भय को भी भाव के रूप में देखते हैं। हाँ, है ना, आश्वस्ति का भाव है या भय का भाव है, बिल्कुल इसको देख सकते हैं जी। प्रश्न यहाँ चैट बॉक्स में लिखा है जी कि डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन को अलग अलग देखने का क्या पर्पज है। तो बेसिकली स्वयं द्वारा स्वयं को देख रहा है, तो स्वयं को देखने में क्या देखें, तो एक तो अपनी क्रियाओं को देखेंगे। उन क्रियाओं को जब देखने जाते हैं तो क्रियाओं का स्पष्ट होना जरूरी है। तो क्रियाएं कई प्रकार की हैं, इच्छा के रूप में भी हैं, विचार के रूप में भी हैं, आशा के रूप में भी हैं। तो इनको जैसा वैसा देखना बनता है। इसको देखते हुए हमको जो ऊपर की क्रियाएं हैं जिनको जागृत होना है उनका भी देखना बनने लगता है। और इनमें जब हमको अंतर स्पष्ट आता है तो समझ में आता है कि अभी हम कहाँ जी रहे हैं, इच्छा में जी रहे हैं या विचार में जी रहे हैं या आशा में जी रहे हैं। यदि हम आशा में जी रहे होते हैं तो दूसरे से अनुकूल भाव पाकर या अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का प्रयास चलता रहता है। जब हम विचार में जीते हैं तो दूसरे से अनुकूल भाव कैसे मिले, ये अनुकूल संवेदना कैसे मिले, इसके लिए पूरा विश्लेषण चलता रहता है। बट जब भाव के स्तर पर या इच्छा के स्तर पर जीते हैं तो एक तो इसका हमको पता लगता है कौन सी ऐसी मान्यता है जो हमको दूसरे से अनुकूल भाव पाकर या अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने के लिए प्रेरित कर रही है, ये पता लगता है। और यदि ये मान्यता है तो सही क्या है, सहज स्वीकृति क्या है वहां पर, इसका पता लगता है। इसलिए इन क्रियाओं को अलग देखना उपयोगी है। स्टेप टू में अब क्या कर रहे हैं, अपने भाव का स्व मूल्यांकन कर रहे हैं। इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है मैं उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ, यह भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, यह मेरे स्वभाव का अनुरूप है या नहीं, यानी मानवीय स्वभाव का अनुरूप है या नहीं। मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ या इससे निकलना चाहता हूँ, इस चीज को देख रहे हैं। यानी पहले मैं तो भाव के प्रति सजग हुई, वो भी मैं कहूंगा कि उसको और सजग होना हो सकता है जरूरी हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रयास पूर्वक शुरू में तो सजग हुए, फिर उसमें कोई विचार आया, फिर विचार में बह गए और काफी समय निकल गया। तो भाव के प्रति सजग होना, इससे आप पाएंगे कि जितना जितना भाव के सजग होते हैं हमारा विचार जल्दी पूरा होता है और हमारे जीने में भी एक स्फूर्ति आती है ना। हम अपने आप में कई बार विचारों में खो जाते हैं, कई बार हम डूब जाते हैं किसी पता चला प्रतिकूल भाव में,
उन सब चीजों से हम निकल पाते हैं जब भागवत सजग होते हैं, क्योंकि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको दिखा दिया कि भागवत सजग होने के साथ साथ उन भाव में परिमार्जन भी कैसे होना है, उसके लिए फिर हमारा प्रयास शुरू हो जाता है। तो इससे हमारे जीने में पूरी एक स्फूर्ति आएगी, हमारे व्यवहार में एक स्फूर्ति आएगी, कार्य करने के तरीके में स्फूर्ति आएगी, शरीर के रख रखाव में स्फूर्ति आएगी, यदि हम भाव से जग हो जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है वो स्टेप वन, और हम लोग उसको बार बार उसका ध्यान आकर्षण कराते रहेंगे, क्योंकि उसके साथ ही फिर बाकी के स्टेप्स पूरे हो पाएंगे। स्टेप टू में ये कर रहे हैं कि जिस भाव के प्रति हम सजग हुए उसका मूल्यांकन करना है कि मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। यदि संबंध का भाव है सहज रूप से स्वीकार होता है, विरोध का भाव है सहज रूप से स्वीकार नहीं होता। सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, इसको दूसरी तरफ से देखें तो ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। तो सहज स्वीकृति और स्वीकृति में कई बार अंतर स्पष्ट नहीं होता, तो उसको ही कई प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि सहज स्वीकृति और स्वीकृति है ना, स्वभाव है या कोई प्रभाव है। और उसको मैं निरंतर चाहता हूँ या उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, तो निरंतर चाहता हूँ है ना, और स्पष्ट है तो मेरा स्वभाव है, मेरी सहज स्वीकृति है। उससे बाहर निकलना चाहता हूँ यानी वो कोई है ना अनुकूल या प्रतिकूल भाव या संवेदना है, जो अभी अनुकूल लग रहा है अगले क्षण प्रतिकूल लगेगा, अभी उससे मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ अगले क्षण वो भारी पड़ेगा, अभी मैं उससे बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ अगले क्षण और ज्यादा भारी पड़ेगा, तो मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो उदाहरण के रूप में जैसे यदि हम स्नेह के भाव के संदर्भ में जांचें, द्वेष के भाव के संदर्भ में जांचें, तो हम देख सकते हैं यदि स्नेह का भाव हमारे अंदर होता है तो हम उसमें बने रहना चाहते हैं, अपने बच्चे के प्रति स्नेह का भाव, स्पाउस के प्रति स्नेह का भाव, मित्र के प्रति स्नेह का भाव, परिवार में माँ पिता भाई बहन के प्रति स्नेह का भाव, अपने साथी सहयोगी के प्रति स्नेह का भाव। और वहीं स्नेह के बजाय अगर द्वेष का भाव आता है, विरोध का भाव आता है, तो हम परेशान होते हैं। तो क्षण आप में जो भी चल रहा है उसके प्रति सजग होना है, जो भी भाव चल रहा है उसे देखते रहें और उसका मूल्यांकन करें बिना किसी प्रतिक्रिया किए। अब होता क्या है कि इसका जब हम मूल्यांकन करने भी जाते हैं तो कई बार प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे यदि कोई अनुकूल भाव लग रहा है तो उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं, प्रतिकूल लग रहा है उसे हटाने का प्रयास करते हैं। तो किसी भाव या विचार को बनाए रखने या हटाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास न करें, जिस भाव में आप आराम में रहते हैं उसे बनाए रखने का प्रयास न करें, जिस भाव से आप परेशान होते हैं उसे भी रोकने या हटाने का प्रयास न करें। बस सजग रहें, अपने में जो भी भाव चल रहा है उसे देखें और मूल्यांकन करें बिना प्रतिक्रिया। तो आप पाएंगे कई बार स्टेप वन पे जब आप काम कर रहे थे तो ये काम भी किसी रूप में हो रहा था, है ना, आंशिक रूप में, तो अच्छी बात है। अब इसको हमको विधिवत करना है, इसको मूल्यांकन को स्टेप वन में इसलिए नहीं हमने रखा क्योंकि कई बार होता है कि हम मूल्यांकन के बजाय फिर समीक्षा, और समीक्षा के बाद फिर हम प्रतिक्रिया में आ जाते हैं बिना भाव के प्रति सजग हुए, और फिर हम विचार में जीने लगते हैं और विचार में प्रतिक्रिया चलने लगती है हमारी। तो थोड़ा सा सजग हुए, विरोध का भाव आया, समीक्षा की, दूसरे को दोषी माना और विचार करने लगे, ठीक है ना, उससे हम उलझे ही रह जाते हैं। तो स्टेप वन में जो सजगता का काम है उसको हम अलग से भी कर सकते हैं कि कुछ समय तो कम से कम मूल्यांकन को रोक कर अभी अपने में ही देखें पहले ठीक से, क्षण क्षण में जो विचार चल उसके प्रति भाव क्या है हमारा। और विचार में भी आप पाएंगे कि अचानक आपको कोई विचार कौंधता है ना, ध्यान कहीं चला जाता है और आप लोग का अचानक आ गया है, बट आप पाएंगे उसके पीछे एक सीक्वेंस रहता है। थोड़ा सा ट्रेस बैक करिए, उसके 1 मिनट पहले आपके अंदर क्या विचार चल रहा था, वहां पे क्या भाव था, वो भाव अलग अलग मुद्दों को ट्रिगर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्वस्थ रहना चाहते हैं बट अभी शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपका शरीर को ध्यान जाता है, कोई भाव आपके अंदर बनता है कि शरीर ठीक नहीं काम कर रहा है। तभी कोई सूचना ध्यान में आती है कि कल एक न्यूज पढ़ा कि ये व्यक्ति तो है इतना स्वस्थ है, इस उम्र में इतना स्वस्थ है, वो आपके अंदर क्या भाव है कि मैं स्वस्थ रहूं, शरीर को ध्यान गया और तभी कोई चीज याद आ गई कि वो व्यक्ति कितना स्वस्थ है, न्यूज में सुना था उस व्यक्ति के बारे में, और फिर उससे आपका ध्यान कहीं और चला गया, टीवी पे, टीवी से परिवार सदस्य पे, ठीक है ना, और परिवार के सदस्य पे ध्यान गया तो उसने कोई काम बताया तो याद आ गया आपको,
वो हुआ नहीं, कल भूल गए। तो आप पाएंगे कि इस तरह से है ना, अब आपको अचानक था कि वो काम अचानक याद आया, तो अभी जब शुरू में आप देखना शुरू करेंगे तो शरीर को ध्यान गया, फिर वो काम की ओर ध्यान गया, फिर कुछ और ध्यान गया, ऐसे दिखेगा। बट यदि भाव को सजग होंगे तो पता लगेगा कि हमारे अंदर शरीर के संरक्षण का भाव है, स्वास्थ्य को बनाए रखने का भाव है, उसके साथ एक बिंदु से दूसरे तीसरे बिंदु पे गए थे, ठीक है ना। और उसी संरक्षण के भाव के साथ अगले व्यक्ति ने जो काम बताया था है ना, उसके शरीर के संरक्षण के लिए, मान लीजिए कहा था कि कपड़ा ले आना हमारे लिए, कोई है ना आवश्यक वस्तु ले आना, तो उस संरक्षण का भाव अपने अंदर बना हुआ है, शरीर के प्रति भी, अपने परिवार के सदस्य के प्रति भी, और उस भाव के साथ ही परिवार में उस सदस्य द्वारा बताया गया किसी काम की ओर ध्यान गया, तो विचार में देखेंगे तो बहुत तेजी से माइग्रेट करता हुआ दिखाई देगा, एक से दो, दो से तीन, ऐसे कई बिंदु दिखाई देंगे। और ये दो बिंदु दिखाई देंगे उसके बीच में भी बहुत सारा आपको दिखाई देगा कि कनेक्टिविटी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो याद आ जाता है ना, कनेक्टिविटी दिखाई देती है। परंतु भाव एक ही प्रकार का बना हुआ है, संरक्षण का भाव, शरीर के संरक्षण का भाव। तो भाव में आप पाएंगे कल्पनाशीलता ज्यादा संक्षिप्त होती है ना, एक भाव के साथ हम काफी देर तक विचार करते हैं, जैसे विरोध का भाव बन गया, घंटों लगा देते हैं उस विरोध के भाव के साथ, उन घंटों में हमने विचार में जाने कितने मुद्दे ले आए, कितनी बातें जोड़ दी, अतीत की, वर्तमान की, भविष्य की, इधर की, उधर की, इस व्यक्ति से जुड़ी, उस व्यक्ति से जुड़ी, विचार में तो बहुत सारे न्यूमरस विचार आ गए, परंतु भाव विरोध का था, वैसे भाव संरक्षण का था, और आपके विचार में एक से दो, दो से तीन कई मुद्दे ध्यान में आ गए। तो इसलिए भाव सजग होने से आपको कल्पनाशीलता ज्यादा स्पष्ट होगी, और फिर उसका अगर आप मूल्यांकन कर पाए कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, तो ये घंटों जो हम फैलाते, ये संरक्षण का भाव है तो ठीक है ना, उसको फिर हम बनाए रखते हुए, अभी जहां सिर्फ अपने शरीर और दूसरे व्यक्ति की ओर ध्यान गया, तो हम वो परिवार के हर सदस्य के शरीर के संरक्षण का भाव बनाकर या उस भाव के साथ हर व्यक्ति के शरीर के संरक्षण का विचार कर सकते हैं कि नहीं। तो यदि संरक्षण का भाव हमारे अंदर बना हुआ है तो उसके साथ हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का विचार करेंगे, अपने स्पाउस के शरीर के स्वास्थ्य का विचार भी करेंगे, बच्चों का भी विचार करेंगे, और हम समाज के लोगों का भी विचार करेंगे कि देखो इस ठंड में कई लोग होंगे जिनके शरीर के संरक्षण के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है, उसके लिए मेरे पास क्या योजना है, उसके लिए मेरी क्या भागीदारी है, तो वो भी करेंगे। यदि विरोध का भाव है और हमको दिख जाए कि सहज रूप से स्वीकार नहीं है ना, तो वहीं पे हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे, सहज रूप से स्वीकार नहीं है, फिर आगे हम लोग जैसे जैसे काम करेंगे और स्पष्ट होगा कि यदि ये सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो क्या स्वीकार है, उसको देखेंगे, समझेंगे, है ना। संबंध का भाव कह रहे हैं, संबंध का भाव होता क्या है, उसको देखेंगे, समझेंगे। तो स्टेप वन और स्टेप टू को निरंतरता में करना है अपने को। उसमें भी एलिमेंट्री पार्ट तो है कि अपनी फीलिंग के प्रति हम और अवेयर हो जाएं, क्योंकि तो अपने को दिखता है कि फीलिंग में ही तो ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है ना, ब्लॉक B2 से ब्लॉक B1 में, यानी जीव चेतना से मानव चेतना में, यानी ना समझी से समझ में, तो बेसिकली विचार से नहीं होना है, भाव से होना है। इसलिए भी है ना, भाव प्रति सजग होना बहुत जरूरी है, कि यदि हम विचार में ही घूमते रहेंगे, जैसे कई बार होता है कि हम वर्कशॉप करते हैं, हमको बात अच्छी लगती है, उसको लेकर बहुत सारा विचार करते हैं, समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाते हैं, बट वो ज्यादातर काम विचार स्तर पे हो रहा है, इसलिए हम उसके लिए थकते भी रहते हैं, कई बार हम परेशान भी होते हैं जब आशानुरूप फल परिणाम नहीं आते। परंतु यदि भाव के स्तर पे हम सजग हो जाएं, भाव के स्तर पे हम अपना रोल डिफाइन करें, तो ये उतार चढ़ाव नहीं होगा जो विचारों में होता है, ठीक है ना, और हम ज्यादा एक्टिव भी हो पाएंगे, ज्यादा पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। हम जो भाव को देखने का काम कर रहे हैं, तो अभी इन दिनों जैसे कल भी और दो तीन दिन से इस तरह का भाव दिखाई देता है, जो कि कोई परिवार को, परिवार के साथ मिलकर कोई कार्यक्रम की बात है, तो बहुत गहरे में उस कार्यक्रम का जो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन को लेके हैं, तो एक बहुत गहरे में विरोध का भाव होता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो उसके लिए विरोध का भाव होता है। लेकिन ऊपर एक भाव है कि संबंध का निर्वाह भी करना है, तो संबंध के निर्वाह के भाव के साथ हम उसको कर भी रहे होते हैं, तो ये जो मिक्स, दो भाव मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद जो विचार चल रहे हैं, तो उसमें दोनों चीजें हैं कि चलो संबंध का भाव है, निर्वाह कर रहे हैं, इस बार इनकी इच्छा रख लेते हैं ताकि संबंध बना रहे, संबंध में कटुता नहीं आए, और बस अभी दो तीन दिन की बात है तो ये निकल जाएगा।
लेकिन अंदर बहुत गहरे में एक विरोध का भाव है कि ये सब व्यर्थ की चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। तो ये जो मिक्सिंग है भावों की भैया, तो इसके साथ दोनों तरह के विचार चलते रहते हैं। और क्रिया में सब कुछ पॉजिटिविटी है और क्रिया आसानी से चल रही है, संबंध बना हुआ है, लेकिन बहुत गहरे में अंदर भीतर जो विरोध का भाव बना हुआ है, तो ये पूरा एक मिक्सिंग हो गई भैया। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें। ठीक बात है, एक तो अच्छी बात है कि आप इन दोनों स्थितियों को देख पा रहे हैं कि भाई संबंध को बनाए रखने के लिए, दूसरे की आशा को पूरा करने के लिए आप बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, बट स्वयं उसके प्रति एक अस्वीकृति है ना। तो उस अस्वीकृति के साथ भी आपको जीना पड़ रहा है, तो भागीदारी करनी पड़ रही है, तो वहां पे पीड़ा भी होती है, उसके प्रति कई बार विरोध का भी भाव बन जाता है। तो ठीक बात है, बट उसमें एक समझने की बात यह है कि अभी हम संबंध का निर्वाह करते हुए दूसरे की मान्यता के अनुसार कुछ कर रहे हैं, इसके प्रति हमारे अंदर स्वीकृति तो नहीं है। परंतु यदि हम उसके साथ अपने सुख को जोड़ लेते हैं तब दुखी होते हैं। जब हम उसके अपने सुख को नहीं जोड़ रहे और उदारता पूर्वक कर रहे हैं और उस अवसर को भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां दूसरे का ध्यान आकर्षण हो जाए, तो फिर हम दुखी नहीं होते, तो फिर हमारे अंदर विरोध का भाव नहीं आता। तो इस अपने को पता है कि छोटा बच्चा अभी नहीं चल पा रहा और मेरे कह देने मात्र से भी चल नहीं पाएगा, उसको अभी 3 साल 4 साल लगेगा चलने में, तो ठीक से चलने में है ना, नहीं तो गिरेगा चलेगा गिरेगा। तो हमारे अंदर ये तो स्वीकृति है कि वो ठीक से चल पाए, और बट हमें कारण भी समझ में आता है कि जब तक उसके हाथ पैर इतने मजबूत नहीं होंगे चल भी नहीं पाएगा, तो अभी हम उसको चलने में सहयोग भी करते हैं, पकड़ते भी हैं, बट जहां भी अवसर मिल सकता है कि थोड़ा और बेहतर ढंग से वो अपने आप में चल पाए उसको सहयोग करते रहते हैं। यही काम हमें अपने हर संबंध में करना होता है कि हमको दिख रहा है कि दूसरा व्यक्ति मान्यता ग्रस्त है, ठीक, तो हम संबंध के निर्वाह में उसका सहयोग कर रहे हैं, बट उसके साथ हम हर बार ये अवसर भी बना रहे हैं कि वो समझ जाए, उसके अंदर सही समझ सही भाव आ जाए, अपनी आवश्यकताओं की पहचान ठीक से कर पाए, और फिर उसका सहयोग कर रहे हैं इस भाव को बनाए रहते हुए, और उसको लिमिट भी कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को बिल्कुल चलाना हो, नवजात शिशु को, तो बहुत ज्यादा हम सहयोग करते हैं, और थोड़ा बड़ा हो गया कम सहयोग करते हैं, एक समय के बाद सहयोग उसमें नहीं करते चलने के लिए, हम ये स्वीकार लेते हैं कि अब खुद से चल पाएगा। तो वैसे अपने परिवार सदस्यों में भी हम शुरू में थोड़ा ज्यादा सहयोग करते हैं कि ठीक है अब इनकी मान्यता है मूल्यांकित नहीं है, पर हम ध्यान आकर्षण कराते रहते हैं, फिर एक समय के बाद धीरे धीरे हम अपना जो भागीदारी है उसको सीमित कर देते हैं, यहाँ इतने में मेरी भागीदारी हो पाएगी, शेष आपकी जिम्मेदारी, तो वो भी जरूरी है, अदरवाइज अगले व्यक्ति को जो हम शब्द कह रहे हैं वो उन शब्दों का अर्थ नहीं पहुंचता, उसको लगता है ये सब ऐसे ही है ना, शब्द दिए जा रहे हैं, शब्दों में कोई गंभीरता नहीं। तो हम धीरे धीरे उसके अपने कार्यक्रम को भी उसके अनुसार परिवर्तित करते हैं ताकि अगले व्यक्ति को अभी ध्यान जाए, कुछ मुद्दों पर हम निर्णय भी ले लेते हैं कि ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ खाने पीने का बना हुआ है और हमको ये दिखता है कि इस तरह का भोजन ठीक है उस तरह का भोजन ठीक नहीं है, तो हम निर्णय लेते हैं कि नहीं इस तरह का भोजन नहीं बनेगा, उस तरह का ही भोजन बनाइए कि नहीं, तो कई जगहों पर हम निर्णय भी लेते हैं। वैसे ही जहां लगता है कि यदि हमको बहुत सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट के साथ हमको फिर पैसा कमाने के लिए बहुत सारा समय लगाना पड़ेगा, उस पैसे को कमाने के लिए फिर समय लगाने के लिए हमको बहुत सारा अव्यवस्था झेलना पड़ेगा और समझने के लिए समय नहीं रहेगा, तो वहां भी निश्चित कर देते हैं कि भाई ठीक है यहाँ पे जितने पैसे की आवश्यकता बन रही है इसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल परिवार कहे कि भाई हमको विदेश घूमना है और आपको पता है विदेश घूमने जाएंगे कम से कम इतना रुपया तो लगेगा ही लगेगा, ठीक तो क्यों जाएंगे, तो हम निर्णय ले सकते हैं कि नहीं इसमें मुझे अपनी कोई भागीदारी नहीं दिखती। तो हम दूसरे का सहयोग भी कर रहे होते हैं साथ साथ दूसरे को समझने के लिए तत्पर भी कर रहे होते हैं और स्थिति के लिए तैयार रहते हैं कि अगले व्यक्ति हमारे अनुसार समझेगा कोई जरूरी नहीं है ना, वो तो अपने संस्कारों के आधार पर ही समझेगा और मुझे अपना कार्यक्रम निश्चित करना जरूरी है। कई मुद्दों पे हम फिर अपना कार्यक्रम निश्चित कर देते हैं कि इस कार्यक्रम मेरी भागीदारी है अन्यथा कार्यक्रम मेरी भागीदारी नहीं है, ये हम निश्चित भी कर देते हैं। तो बट हमारे अंदर संबंध का भाव पूरे समय बना रहता है, अगर विरोध का भाव बनता है तो फिर वो हमारा इनकम्पिटेंस है। बट इतना जरूर है कि जो मैंने इतनी बातें कही ना, इन सारी बातों को ठीक ठीक जी पाने में पूरा कर पाने में हम सबको समय लगता है, ठीक उसमें इनफैक्ट इसी को पूरा करने में हमारा विकास होता है कि बिना विरोध में आए संबंध के भाव के साथ अगले के जैसा है वैसा स्वीकारते हुए उसमें परिमार्जन के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं
तो उसमें हमारी बहुत गति बनती है, क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो अगला व्यक्ति हमारी वो भी इंगित कर रहा होता है कि हम जीने में कहाँ चूक कर रहे हैं, फिर उस पर हम काम करते हैं और इस पूरे क्रम में हमारा भी विकास होता है, अगले का भी विकास होता है। तो पहले असाइनमेंट लेते हैं। असाइनमेंट ये है जो आज जितने हमने बात की, अपने भाव का मूल्यांकन करना है ना, उसको तो भाव पर सजग होना है, उसके साथ भाव का मूल्यांकन करना है, और भाव को जितने सजगता से हम देख पाएंगे उतना ज्यादा बारीकी से हम उसका मूल्यांकन भी कर पाएंगे। मूल्यांकन करते हुए देखना है कि मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, इस बात को अपने आप में देखना है।